तो आपको नुकरे को ज्यादा शौक है जी? नुकरे अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती हरे घोड़े में दी है, जो घोड़ा खूबसूरत अल्लाह पाक ने बनाया। तो आपको ज्यादा क्रेज? अब ऐसी 6-7 घोड़े पीछे नुकरे खड़े हैं। आपका आपका फेवरेट कौन सा इनमें से? सुल्तान। मुझे पता, सबने सुल्तान का नाम ले लिया क्योंकि सबसे फिट है, हाइटेड घोड़ा है, फुल चिट्टा है। आपकी खिदमत शिदमत करते हो कोई नहीं जी? तो दोस्त यारों को बताते हो मैं शाह सवार हूँ और मैं सवारी शवारी करता हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं तो हॉकी क्रिकेट खेलता हूँ और आप तो शाह सवारी करते हो। जेलस नहीं होते? परेशान होते होंगे यार, कैसे कर लेते हो? डर लगता नहीं? लगता नहीं। क्यों? मतलब क्या था, अगर घोड़ों में से, अगर घोड़ों से डर लगा तो वो फिर सवारी नहीं हो पाएगी। सीख ले। फेवरेट घोड़ा? मेरा इनमें से फखरे मूसा और शहंशाह सुल्तान। सुल्तान और फखरे मूसा। तो शेर किसका फेवरेट है जो पीछे शेर खड़ा है? सबका। आपका फेवरेट सुल्तान ही है? फिल वक्त ना लेने उकाब। माशाल्लाह, नाम चेक कर रही थी शहजाद भाई ने अपना, अदनान साहब ने कितने खूबसूरत नाम रखे हैं घोड़ों के। हमारा अभी मेला आ रहा है नवंबर में, ठीक है, तो उस मेले में मैंने दौड़ना है। वाह मान, नवंबर में इंशाल्लाह फिर हमने इसको बच्चे को कवर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं टीपुर तमाशा। वंस अगेन टेंट पैकिंग की वीडियो, घोड़ों की वीडियो के साथ एक तो फिर आप खिदमत में हाजिर हूँ। आरआई टेंट पैकिंग क्लब की तीसरी वीडियो है और अदनान शहजाद साहब का ये, इसको ऑन करते इस पूरे डेरे को, फार्म को, स्टार्ट फार्म को, और ये तमाम सारी काबीना उन्हीं की है, उनके भतीजे हैं, उनके भाई यार दोस्त है सारे जो यहाँ पर पूरे स्टार्ट फार्म को मैनेज करते हैं, देखते हैं, गपशप लगाते हैं, यहाँ पर घोड़ों को संभालते हैं। और ये छोटे छोटे जो शाह सवार हैं ना, इनको घोड़ों का क्रेज उनसे ज़्यादा है, तो उनसे पहले ये पहुँच जाते हैं यहाँ पर, तो कुछ घोड़ों के साथ मस्तियाँ होती हैं, कुछ गपशप होती है और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? नाम बताएं जी अपना। मेरा नाम जीशान है। जीशान, माइक को आपने करीब रखा है जीशान जी। और किस क्लास में जी? मैं ओए लेवल्स में। एओ लेवल चल रहा है जी जी। बिगन हाउस से? जी जी, बिगन हाउस से। तो घोड़ों का शौक साथ साथ बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं, मतलब 1.5-2 साल हो गए। मतलब जब से अदनान भी ने शुरू किया तब से आप लोगों ने? उनको तो काफी टाइम हो गए, लेकिन पहले मतलब लोकेशन काफी दूर थी, अब करीब हो गए, तो मतलब घर डेली आना जाना होता है जी काफी। तो स्टडी को कितना टाइम मिलता है, घोड़ों को कितना टाइम मिलता है? स्टडी को भी काफी टाइम मिल जाता है, लेकिन घोड़ों का क्रेज ज्यादा है। घोड़ों का क्रेज। अच्छा, अगर बात की जाए कि अपनी अपनी पसंद होती है, आपके पास ज्यादा नुकरे ही हैं, तो आपको नुकरे को ज्यादा शौक है? जी, नुकरे अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती हरे घोड़े में दी है, जो घोड़ा खूबसूरत अल्लाह पाक ने बनाया। तो आपको ज्यादा क्रेज? अब ऐसी 6-7 घोड़े पीछे नुकरे खड़े हैं। आपका आपका फेवरेट कौन सा इनमें से? सुल्तान। मुझे पता, सबने सुल्तान का नाम ले लिया क्योंकि सबसे फिट है, हाइटेड घोड़ा है, फुल चिट्टा है। तो खिलाई पिलाई भी खुद करते हैं कि नहीं? खिदमत भी करते हैं, बस आगे सवारी की और घर? कभी गुड़ खिला दिया, मतलब इस तरीके से। हैवी काम कोई नहीं किया है जी, हैवी काम कोई नहीं किया। आए जी आगे, माशाल्लाह छोटे शाह सवार। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप जी? आपकी एज कितनी है? मेरी 12 साल। 12 साल। तो आपका फेवरेट घोड़ा कौन सा है? सुल्तान ही है। सुल्तान है, ये आप किसी एक का रहने दो, सुल्तान सबने बारी में सुल्तान। तो आपके भी नुकरे फेवरेट है जी? तो आपको जो क्लास कौन सी आपकी? 6। 6 क्लास में, थोड़ा सा माइक दूर। हाँ, यहाँ पर। अच्छा, तो आप स्टडी को कितना टाइम मिलता है, घोड़ों को कितना टाइम मिलता है? मतलब सेम स्टडी को थोड़ा कम देते हैं। वीक में कितने दिन आते हो? वीक में हम सैटरडे संडे। सैटरडे संडे, मतलब वीकेंड आपका यहीं पे गुजरता जी। है। तो आप भी खिदमत शिदमत करते हो कोई नहीं जी? तो दोस्त यारों को बताते हो मैं शाह सवार हूँ और मैं सवारी शवारी करता हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं तो हॉकी क्रिकेट खेलता हूँ और आप तो शाह सवारी करते हो। जेलस नहीं होते? परेशान होते होंगे यार, कैसे कर लेते हो? डर लगता नहीं? लगता नहीं। क्यों? मतलब क्या था, अगर घोड़ों में से, अगर घोड़ों से डर लगा तो वो फिर सवारी नहीं हो पाएगी। सीख घोड़ों से अगर डर लगा तो फिर सवारी मुश्किल हो जाएगी। आए जी, तो आए जी आगे। आए जी, आपका नाम जी? सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हदकवी। माशाल्लाह जी, तो आपको भी क्रेज है घोड़ों का जी? अल्हम्दुलिल्लाह। या सिर्फ देखने की हद तक? नहीं नहीं, पूरा पूरा क्रेज। पूरा पूरा क्रेज। तो कितना टाइम मिलता है घोड़ों को? मैं सैटरडे संडे जाता हूँ। मेले शेले भी विजिट किए हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बकायदा हमारे चैनल को देखते हैं बच्चे सारे जो उनसे है ना, बैलों की वीडियोस भी, घोड़ों की वीडियोस भी। अच्छा, घर से डांट डपट भी होती है कि ज्यादा घोड़ों को डिस्कस होता है घर में? पढ़ाई को भी टाइम दिया करो, कुछ और भी एक्टिविटी किया करो कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब वो भी खुद इधर होते हैं तो आप लोग भी साथ इधर होते हो जी। फेवरेट घोड़ा? मेरा इनमें से फखरे मूसा और शहंशाह सुल्तान। सुल्तान और फखरे मूसा। तो शेर किसका फेवरेट है जो पीछे शेर खड़ा है? सबका। शेर? अच्छा, पंगे कोई नहीं करता? शेर के पास बंदा एक ही जाता है, वो जो बैठा है पीछे, वो नसवार फेंके निकाल के भी। शेर के पास वही बंदा जाता है, बाकी सारे दूर से देखते हैं। आए जी आगे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है? सबसे हेल्दी जनाब जी, सबसे पावरफुल, और ऑफ कैमरे के साथ जो हमारी गपशप हुई है ना, बिगन हाउस कितनी ब्रांचेज है बिगन हाउस की? मोर देन 2000। 2000 से ज्यादा बिगन हाउस की ब्रांचेज है। माइक को थोड़ा करीब करना है। सब स्ट्रीट्स ने हमें बताइए, नाम क्या जी आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, माशाल्लाह बड़ा प्यारा भाई है हमारा, छोटा।
और कितना अरसा हो गया घोड़ों के साथ? More than 2 years. 2 years घोड़ों के साथ हो गए. आपका फेवरेट सुल्तान ही है? फिल वक्त नलैने उकाब. नलैने उकाब, माशाल्लाह. नाम चेक कर रही थी शिजात भाई ने अपना, अदनान साहब ने कितने खूबसूरत नाम रखे हैं घोड़ों के. डर लगता ही लगता? लगता है थोड़ा थोड़ा जब मतलब कोई घोड़ा मस्ती करता था. किस किस्म की घोड़ा मस्ती करता है ज्यादातर अमूमन? वो हर चीज आप उसको जिस तरह तंग करेंगे उस तरह से वो मस्ती. चक मारता है या लात मारता है ज्यादा? लात. लात से डर लगता है जी. आप खुद उसको तंग करेंगे तभी मारेगा ना. नहीं अमूमन घोड़ों के साथ जब घोड़े पीछे लगाए हो तो घोड़ा वैसे भी लात मार जी मार देता. जानवर है, जानवर के हिस्से के अंदर होता है, जिसने फाइट करनी अपना सेफ्टी, उसको डर लगता है शायद मुझे कुछ करे ना, ये जो लोग मेरे साथ है ये जानवर मस्ती ना करे. डैड सो है वो लात मारता है. तो सवारी अपने मेले शेले में टाइट पैकिंग वगैरह भी चल रही है कि नहीं चल रही? फिलहाल अंडर ट्रेनिंग एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द करनी है टाइट पैकिंग. जी जी. अच्छा आप लोग भी नेजा भाई सारे कर रहे हैं या जस्ट सवारी करते हैं? अभी आप करते हो सवारी? नहीं है. अच्छा आप मतलब नेजा उठा रहे हो, मतलब प्रॉपर टाइट पैकिंग हो रही है? अब हमारा अभी मेला आ रहा है नवंबर में. ठीक है तो उस मेले में मैंने दौड़ना है. वाह, नवंबर में इंशाल्लाह फिर हमने उसको बच्चे को कवर करना है. पाकिस्तान के तो बड़े छोटे छोटे शाह सवार आप भी इकट्ठे हो गए, रेहान अकरम गोंदल है, बड़ा फेवरेट होगा आप लोगों का. उनके साथ मेरी दोस्ती है. दोस्ती है? देखिए राम जो रेहान अकरम गोंदल भाई का दोस्त भी है, तो भाई ये शाह सवार बड़े अच्छे हैं. अच्छा तोड़ा क्या है, ठीक हो? खामोशी बड़ी की तुझे, खैर हो गए? बच्चों को सुन रहे हैं, बच्चों के साथ प्यार आप लोगों का एक्स्ट्रा. ये सिर्फ सीख रहे हैं या क्रेज है बच्चों के अंदर वाकई ये शाह सवार बनेंगे? क्रेज भी है इंशाल्लाह, ये शाह सवार भी बनेंगे. ये हमारा तकड़ा है वो तो माशाल्लाह है. घोड़े से इजाजत लेता है बैठने से पहले? ये घोड़ा इजाजत दे फिर क्या? नहीं घोड़ा क्या है वेट ज्यादा है मैं नहीं उठाता. फिर चेयर हम ले जाते. उस्मान साहब किधर गए? उस्मान भाई अंदर. उस्मान भाई ठीक है जी, यकीनन आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई. अपना उस्मान साहब आएंगे? नहीं उनका अलग, उनका नवाज साहब का स्पेशल होती है जनाब जी. सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बड़ा खूबसूरत स्टड फॉर्म बनाया, बड़ा यूनिक किस्म का. और जितनी बातें की जाए घोड़ों के हवाले से काम अदनान साहब आएंगे, इन चलों से गपशप लगाएंगे कि नुकरों का ही क्रेज़ क्यों है. और सब बात के हब के अंदर बड़ा खूबसूरत स्टड फॉर्म बनाया और बड़े खूबसूरत प्यारे नुकरे, यूनिक नुकरे, और मेलों में भी इनका नाम अलग है. और आजकल जब से टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आया है तो जिस तरह की खूबसूरती है फार्म की देखना बनता है, सराहना बनता है. सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, चला किसी और फार्म पे, किसी और शाह सवार के साथ, किसी और नवाब के साथ, अच्छे गुड़ के साथ आप खिदमत में आएंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.